कहते हैं कि व्यक्ति की मौत के बाद उसे सम्मान उसके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए, मगर कुछ ऐसे बदनसीब व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें मौत के बाद भी उतना सम्मान नहीं मिलता। उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए टैक्सी के पीछे बांध कर पैरों को रस्सी से ऊपर की तरफ बांध कर पहुँचाया गया। मामला थाना गिरार क्षेत्र का है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जनपद सागर अंतर्गत थाना परेड के ग्राम मटिया निवासी 45 वर्षीय हरिराम सहरिया अपनी मजदूरी का पैसा लेने ग्राम चंगाऊ आए हुए थे। उसके बाद उसका शव उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए थाना गिरार के पीछे जंगलों में लहू लुहान मृत स्थिति में पुलिस ने बरामद किया। उसके बाद से बरामद हुई वस्तुओं से उसकी पहचान हुई और उसके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर परिजनों ने पहुंचकर अपने परिवार के सदस्य की पुष्टि की, जिसके बाद थाना गिरार पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरकर जिला मुख्यालय भिजवाया। मगर पुलिस ने जिस तरह मृतक के शव को भिजवाया वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। पुलिस ने एक आपे टैक्सी में सबको पीछे रखवाया और उसके पैरों को भी टैक्सी की छत से रस्सी के सहारे बंधवा दिया। गिरार से लेकर जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। एक टैक्सी में 90 किलोमीटर उसी स्थिति में जिला मुख्यालय पहुँचा, जबकि पुलिस को किसी ऐसे प्राइवेट वाहन से या सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर जिला मुख्यालय भिजवाना चाहिए था, जिससे वह सम्मानपूर्वक पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचता। पुलिस की इस कार्यप्रणाली ने मानवता को शर्मसार किया ही है, साथ में अपनी कार्यप्रणाली पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आपका क्या नाम है? मनुआ। मनुआ, ये किस गांव के रहने वाले? मटिया। मटिया कितना आने पड़ता? ये कहाँ मिले थे? गिरार में। कहाँ पे? नहीं तो क्या हो गया था जी, कहाँ गए थे? मालूम नहीं था, तो जाना वो आए थे पैसा लेने। कब आए थे? तो क्या क्या काम करते थे? कटाई के लाने आए थे चढ़ा रहा पैसा नहीं पैसा लेने के लाने आए। तो जो बॉडी कहाँ से लेके आया तुम जी टैक्सी में? कहाँ से? गिरार से। तो यही में काय में लेके आए सब? काय में ये क्या टैक्सी ऐसी लेके आ रहे हैं गिरार से?